मध्य प्रदेश के खरगोन में दशहरा की एक अनोखी और प्राचीन परंपरा निभाई जाती है, जो शायद आपको देश में कहीं और देखने को न मिले। यहाँ रावण दहन के पहले हिरण्यकश्यप का वध किया जाता है और इसके बाद दशहरा मनाने की परंपरा है। यह खास आयोजन खरगोन के भावसार मोहल्ले में प्राचीन श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में हर साल नवमी की रात को होता है, जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। इस अनोखी परंपरा की शुरुआत 406 साल पहले की गई थी। नवरात्रि के दौरान माँ अम्बे और माँ महाकाली की सवारी खप्पर में निकलती है, जो अष्टमी और नवमी की मध्य रात्रि से सुबह तक चलती है। इस दौरान समाज के लोग माँ अम्बे, महाकाली, श्री गणेश आदि स्वरूप में स्वांग रचते हैं, गर्मियों पर झूमते हैं। खास बात यह है कि इस आयोजन में भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का वध किया जाता है और इसके बाद ही दशहरा मनाया जाता है। खप्पर समिति के अध्यक्ष मोहन भावसार ने लोकोलेटिन को बताया है कि यह परंपरा उनके बुजुर्गों द्वारा शुरू की गई थी, जिसे समाज के लोग आज भी पूरी श्रद्धा और उसी रूप में मना रहे हैं। उनके अनुसार देश भर में लोग रावण का पुतला जलाकर दशहरा मनाते हैं, लेकिन खरगोन में भावसार समाज द्वारा दशहरा तभी मनाया जाता है जब भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। नवरात्रि का शारदीय नवरात्रि का अष्टमी और नवमी का खप्पर निकलेगा हमारा, इसमें ये 406 साल है हमारा, और यह 10 तारीख जो गुरुवार आएगी उसमें महा अम्बे का खप्पर निकलेगा और दाती की जो 11 तारीख आएगी उसमें महाकाली का खप्पर निकलेगा। उसके बाद में महाकाली की रात में हम 11 तारीख जो रहेगी उसमें सुबह सुबह हिरण्यकश्यप और नरसिंह भगवान की सवारी निकालते हैं, और नरसिंह भगवान द्वारा हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद हम दशहरा का पर्व मनाते हैं। भावसर क्षत्रिय समाज हिरण्यकश्यप और नरसिंह भगवान का जो होता है, तो हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भावसर समाज दशहरा का पर्व मनाता है। इस साल ये आयोजन गुरुवार 10 अक्टूबर और शुक्रवार 11 अक्टूबर की रात को होगा। गुरुवार की रात को 406 साल पुराने झाड़ का पूजन करने के बाद पहले गणेश जी और फिर शेर पर सवार माँ अम्बे रमती हुई आएंगी, जबकि शुक्रवार की रात महाकाली की सवारी निकलेगी और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का वध किया जाएगा और इसी के साथ समाज के लोग दशहरे की खुशियां मनाएंगे। लोकल 18 के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।